अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल रशीद चौधरी और आप देख रहे हैं यूनिटेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पुरानी टेक्नोलॉजी और नई टेक्नोलॉजी वाले बट्टे, यानी कि नेचुरल ड्राफ्ट और ज़िगज़ैग बट्टे। तो दोस्तों, पुरानी टेक्नोलॉजी के जो हैमल भट्टे थे उनमें कोयला ज़्यादा जलाना पड़ता था और धुआं ज़्यादा पैदा होता था, क्योंकि जो चिमनी होती है वो एक किस्म का वैक्यूम या ड्राफ्ट पैदा करती है, जिससे वो कंबस्चन जो चैम्बर होता है या कंबस्चन जहाँ पे हो रही होती है, जिस तरह इंटू के अंदर कोयला जला रहे होते हैं, वो कोयला ज़्यादा जलाना पड़ता था, ज़्यादा मिकदार में फेंकना पड़ता था और धुआँ ज़्यादा बनता था और हीट कम पैदा होती थी, तो जिससे माहौल को नुकसान होता था और मालिक का पैसे का ज़िया होता था। तो इसके बरक्स अगर तो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के हामिल भट्टे में जो ब्लोअर लगाया जाता है या बहुत बड़ा पंखा होता है, उसको मोटर से या किसी इंजन से चलाया जाता है जो मैकेनिकल ड्राफ्ट पैदा करता है, यानी कि एक वैक्यूम पैदा करता है उस जगह पे जहाँ पे आग जलाई जा रही होती है। बेसिकली जो ईंटें रखी होती हैं उनमें से ये जो आग होती है या धुआं होता है, ये ज़िगज़ैग होके या ऊपर नीचे एक दूसरे के अपोजिट घूम के निकलता है, जिससे प्रॉपर ईंटों को हीट मिल जाती है और जो जलने वाला मटीरियल होता है उसको ऑक्सीजन भी पूरी मिकदार में मिल जाती है। पुरानी टेक्नोलॉजी में जो ईंटें होती थी वो अव्वल ईंट जो वो 50-60% अव्वल ईंट होती थी, निकलती थी, जबकि जो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के हामल हैं उनमें 90% जो है वो ईंटें अव्वल निकलती हैं। चलें, अब आपको मैं दिखाता हूँ कि ऑयल कोयला जो है वो किस तरह का होता है और ईंटों का बुरादा किस तरह यहाँ पे जलाया जाता है। या ये देख लें, ये कोयला है और इसके अलावा ये लकड़ी का बुरादा है। तो ये मिक्स करके हम जो ईंटें इसके अंदर लगाई गई होती हैं उनमें उनमें ये फेंका जाता है, उनके अंदर पहले से आग लगी हुई होती है उनमें ये जलाया जाता है। तो अब ये एक ब्लोअर है और उसको इस बेल्ट और मोटर के ज़रिए चलाया जाता है। ये ब्लोअर का काम आपको बता दिया है कि ब्लोअर जो है मैकेनिकल ड्राफ्ट या मैकेनिकल वैक्यूम पैदा करता है। तो ये साइडों से ईंटों के अंदर से जहाँ पे आग जल रही होती है वहाँ से एयर लेके ये चिमनी के अंदर से बाहर एनवायरनमेंट में फेंक देता है। और इस मोटर को किस सिस्टम के ज़रिए चलाया जाता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक 1000 वाट का सोलर इन्वर्टर है जिसको हमने 8 प्लेटें 150 वाट की दी हुई हैं, 8 पैनल्स। तो और ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है जिससे आप मोटर और ब्लोअर के कम या ज़्यादा चक्कर करते हैं अकॉर्डिंग टू लोड, या जितने आपने एरिया में आग जलाई हुई होती है उसी हिसाब से उतने चक्कर रखते हैं। तो ये इसका एक पोटेंशियोमीटर है जिसके ज़रिए आप अपनी मर्ज़ी से मोटर के या ब्लोअर के चक्कर सेट कर लेते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इस वक्त रन कर दी है मोटर, तो ये इस वक्त आप देख सकते हैं ये तकरीबन ये इतने ही चक्करों में जा रही होती है, 300 से 350। अब इस सिस्टम के लगने से अब तो कोयला भी फुल जल रहा है और जो चिमनी है इससे निकलने वाला धुआं बिल्कुल ना होने के बराबर है, जिससे हमारे एनवायरनमेंट को किसी किस्म का नुकसान नहीं हो रहा और जो गवर्नमेंट है उसका भी किसी किस्म का इशू नहीं है। तो ये बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त 922-923 मोटर के चक्कर हैं और 27 हर्ट्ज़ हैं, और इसके अगेंस्ट जो हैं आपके जो ब्लोअर है इसके चक्कर 300 से 325 होते हैं। अगर इसको एक अलहदा से मीटर लगा के हमने चेक करना होता है। तो ये इसका एक इन्वर्टर है जो इस वक्त सोलर पे है, चूँकि इस जगह पे वापडा नहीं है तो इसलिए इसको सोलर पे रन किया हुआ है। तो ये इसके आप पैरामीटर देख सकते हैं, इस वक्त ये सोलर पे चल रहा है। और सो फ्रेंड्स, ये तो थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए।